Yes. By enterprise. Tell me somebody, what do you mean by enterprise? Enterprise, that means we talk about a business house, a big organization, and the resources. What do you mean by resources? Products, process, all these are known as resource of an organization. And there is a word planning. Planning means to organize all these resources in a manner for efficient utilization of resource and grow the product, grow the for development. We know about information and the importance of information. What is the importance of information? Tell me, everybody. Information, what is that? Yes? Information is very necessary to communicate between two persons. Without information, we can't say any language to someone. A meaningful sentence of... Basically... An idea. Basically, information... क्या होता है? Information किसी भी organization के लिए बहुत ही जरूरी होता है. आज की डेट में हम लोगों ने जो दो सेशन पढ़े, दोनों में इंफॉर्मेशन की बात की. अगर वेब टेक्नोलॉजी को देखा तो वेब टेक्नोलॉजी एक और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. व्हाई सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी क्यों है? दैट मींस देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो खैर ये सिक्योरिटी की बात थी. हमें देखना यहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंफॉर्मेशन हो सकते हैं. फास्ट रेट में इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए. अगर इंफॉर्मेशन का रेट फास्ट होगा हमारा बिजनेस काफी आगे जाएगा. अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो का रेट अगर स्लो होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे उतने फास्ट स्पीड में नहीं ग्रो कर सकती है जितने फास्ट में करना चाहिए था. जैसा कि आप जानते हो बिल गेट्स को, सभी बिल गेट्स के बारे में जानते हैं. और बिल गेट्स ने एक किताब लिखी है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट. और इस किताब में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अगर आप अपने कंपटीटर को अगर इफ यू वांट टू ओवरकम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं जानना चाहिए. अगर एक का इंफॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है. तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने की, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो का रेट कैसे बढ़ाया जाएगा. तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. एंड यू नो इट इज अ वेरी मच न्यू एरिया इन द फील्ड ऑफ आईटी. एंड इन दिस फील्ड अगर आप कैरियर के लिए जाते हो तो स्काई इज लिमिट. काफी ज्यादा पैसा भी है इस फील्ड में अगर इस फील्ड को जाते हो. तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? एक कंपनी की बात करते हैं. सिंपल एक कंपनी को उठाते हैं हम लोग. कोई भी एक कंपनी लिया हमने. जैसे बात करें हम लोग कोका-कोला कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं. नाम तो सभी लोगों ने सुना है ना. गर्मी आने वाली है, सब लोग अब थम्स अप, कोका-कोला और स्प्राइट पूरी वर्ल्ड में चल रही है. आपको मालूम होना चाहिए कि कोका-कोला कंपनी लिमिटेड इज एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी. और पूरी दुनिया में मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज है सभी जगह इसका अपना सेटअप है. इसीलिए इसको मल्टीनेशनल कंपनी कह रहे हैं. जब इसे मल्टीनेशनल कंपनी कह रहे हैं और इसके जो सीईओ है या फिर जनरल मैनेजर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, कोई एक दो लोग ही होंगे, इससे ज्यादा लोग तो होंगे नहीं. लेकिन पूरे वर्ल्ड में इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस फैली हुई है. तब वो चाहते हैं कि पटना में आज के डेट में कितना कैरेट कोका-कोला का सेल हुआ, कैसे वो हासिल करेंगे. तो एक सिंपल जो प्रोसीजर होगा हम लोग जिसके बारे में जानते हैं वो सीईओ कॉल करेंगे अपने दिल्ली ऑफिस को, जो इंडिया का मेन ऑफिस होगा, इंडिया का मेन ऑफिस कॉल करेगा, बिहार के मेन ऑफिस को, बिहार का मेन ऑफिस कॉल करेगा पटना के सीएलएफ को. और वो बताएगा कि आज इस पर्टिकुलर एरिया में कितना कैरेट का सेल हुआ. बट इट इज नॉट वेरी मच एफिशिएंट मैनर. इसमें काफी टाइम लगेगा. अगर मान लो कि फोन लगने में 2 मिनट लग रहा है पर फोन कॉल और 10 मिनट तक की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से 1 घंटा का टाइम वेस्ट जाएगा और वो भी कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. वी नीड कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एट द इंस्टेंट टाइम. अभी बोला अभी चाहिए. तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर सीईओ को मालूम चलेगा ना कि पटना में आज का सेल कम क्यों जा रहा है तो उसके पीछे डिसीजन कौन लेते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं. डिसीजन लेने का पूरा हक टॉप लेवल मैनेजमेंट को. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर ही कोई डिसीजन लेते हैं. Without the available information, they can't take a decision. तो information उन्हें instant चाहिए. क्या कारण है कि आज के डेट में इस महीने का या इस दिन का या पर्टिकुलर इस वीक का सेल कम क्यों गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करना होगा और काफी फास्ट वे में कलेक्ट करना होगा। लेकिन ये मैंने केवल एक एरिया की बात की, द हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड कंपनी है, उसका केवल एक एरिया था, एक फील्ड था जिसके बारे में आप लोग जानते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। ये केवल एक एरिया था, लेकिन अब वो सीईओ ये भी जानना चाहेगा कि आज हाजीपुर के बॉटलिंग प्लांट में कितने बॉटल्स पैक हुए या कितने बॉटल्स फिल किए गए, ये भी जानना जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि आज के उस बॉटलिंग प्लांट में कितने लेबर आए थे, आज उस बॉटलिंग प्लांट में कितने रॉ मटेरियल्स यूज किए गए, कितना रॉ मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल है, और भी बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद वो कंपनी का एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, और इन सभी के लिए उन्हें क्या करना होगा, एक इंडिविजुअल अलग-अलग सॉफ्टवेयर हर एक जगह पे यूज करना पड़ेगा। क्या यही बात होगी ना? अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉय की पेरोल सिस्टम रखने की, तो हर एक और उस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो हाजीपुर के बॉटलिंग प्लांट है, हाजीपुर के बॉटलिंग प्लांट में वहां पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि उस पूरे प्लांट के जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं उनका वेज कैलकुलेट किया जा रहा है, उनको पे किया जा रहा है। बट अब उनको एक अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो ये डिसाइड कि इन्होंने ओवर ड्यूटी नहीं की। एक सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा चाहिए जो कि पूरे रॉ मटेरियल्स के बारे में डिटेल रखे कि आज हमारे प्लांट में कितने रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, कितने का यूज हुआ और रेस्ट कितना बचा। फिर ये रीऑर्डर भी करना होता है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये इंफॉर्मेशन एक सर्टेन टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, तो मे बी अगर मान लो आज रॉ मटेरियल हमारे पास, जितनी क्वांटिटी हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबल है वो कल तक के लिए सफिशिएंट है, तो हमें रीऑर्डर करना होगा ताकि परसों हमारा काम चल सके। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये परमिशन कौन देगा? जो उसका सीनियर मैनेजर होगा। तो सीनियर मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि हमारे पास आज रॉ मटेरियल इतना ही बचा हुआ है, तो इसको फिर से हम लोग रीऑर्डर करें। तो डिसीजन लेगा सीनियर मैनेजर, तो उसके पास अगर इंफॉर्मेशन अगर लेट से पहुंच रहा है तो क्या होगा, एक दिन में भी हो सकती है प्लांट को बंद रखनी पड़ेगी। और जब बात करें इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर की, तो सभी कहेंगे, और वही कॉन्सेप्ट है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। द ऑल रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज वेल प्लान्ड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट। जब जरूरत होगी तब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और ईआरपी सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह होना चाहिए। दैट मींस अ सेंट्रल डेटा। आप लोग शांति से आज के कार्यक्रम का आनंद उठाए। इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन के लिए सप्ताह में, और वहां से आपको रिसीव कर लेंगे।